एक्टर और कॉमेडियन मल्लिका दुआ, जिन्होंने खुद अपने फैंस को इस बात की खबर दी कि उनके पिता पत्रकार विनोद दुआ का निधन हो गया। आपको बता दें कि 67 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया, जिसकी खबर मल्लिका ने इंस्टाग्राम पर अपने फैंस के साथ शेयर की। इसी के साथ मल्लिका दुआ ने अपने पिता के साथ साथ अपनी माता को लेकर भी खुलासा किया। जी हाँ, आपको बता दें कि विनोद दुआ से पहले ही उनकी पत्नी यानी कि डॉक्टर पद्मावती दुआ, जिन्हें चिन्ना दुआ के नाम से भी जाना जाता है, उनका भी निधन इसी साल हो गया था कोरोना की बीमारी के चलते। इसी पर उन्होंने एक पोस्ट शेयर की और लिखा, अपने पिता को लेकर दर्द भरा नोट। उन्होंने कहा कि यहाँ पर पिता और माता की तरह कोई भी दोस्त नहीं हो सकता। मेरे पिता मेरे एक ऐसे दोस्त थे जिनके साथ मैं अपनी सारी बातें शेयर करती थी और वो मेरी हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देते थे। वो मेरी हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते थे। मेरे पिता के जाने के बाद, मेरी माता के जाने के बाद मेरे पिता और मैं काफी अकेले पड़ गए थे, लेकिन अब पिता के जाने के बाद मैं पूरी तरह से अकेले पड़ चुकी हूँ। मुझ पर कई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है और ऐसे में अपने पिता के जाने का दुख मुझे काफी झटका दे गया। मैं अभी भी सदमे में हूँ और उभर नहीं पा रही कि आखिर मैं पिता के जाने के बाद किस तरह से खुद को संभालूंगी या फिर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को। जी हाँ, इस तरीके का दर्द भरा स्टेटमेंट देती नजर आई है खुद मल्लिका दुआ, जहाँ पर अपने माता पिता के निधन पर किया उन्होंने दर्द भरा खुलासा और बताया कि आखिर किस दौर से, किस दर्द से गुजर रही है मल्लिका दुआ इस वक्त। नेक्स्ट नाइन लाइफ की रिपोर्ट।